खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, एबीपी न्यूज का मॉर्निंग प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। दिन की सभी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम तीनों एंकर्स। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जब से हटा है, पाकिस्तान के साथ आतंकी बौखलाए हुए हैं और बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। कल ही करीब 70 दिनों बाद कश्मीर घाटी में फोन की घंटी बजी, पोस्ट पेड फोन सेवा को मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो इसके लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, तो उधर कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के भेजे आतंकी बाज नहीं आ रहे। शोपिया में अज्ञात आतंकवादियों ने ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर की हत्या। आतंकियों ने फलों से लदे ट्रक में आग भी लगा दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रक राजस्थान का है जो फल लेने कश्मीर आया था। कुपवाड़ा में भी आतंकी सक्रिय है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में LOC के पास विस्फोट हुआ। विस्फोट बारूदी सुरंग में हुआ जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब राजधानी दिल्ली से, जहां पीएम मोदी की भतीजी से लूट की वारदात के बाद दिल्ली की पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। बीती रात एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा है। पहला एनकाउंटर भलसवा डेरी इलाके में हुआ है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल इलाके में ये जांच पड़ताल एक बदमाश के एनकाउंटर के बाद चल रही है। बीती रात करीब 9 बजे पुलिस को ये खबर मिली थी कि इलाके का हिस्ट्री शीटर प्रथम आनंद उर्फ तुषार इलाके में मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवानों ने बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर उसे पकड़ लिया। पूरे वाकये में करीब 10 के लगभग 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से कुछ बदमाश की तरफ से हुई और कुछ स्पेशल सेल के जवानों की तरफ से हुई, लेकिन बदमाश यहाँ पर पकड़ा गया है। जिस बदमाश प्रथम आनंद को पुलिस ने पकड़ा है उस पर झपट मारी, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 25 मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ केस में वो भगोड़ा भी घोषित था। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश को गोली लगी और वो अपनी बाइक से गिर पड़ा। उसके दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश घायल होकर यहीं पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में बदमाश तुषार को रखा गया है, साथ ही उसके पैर का इलाज कराया जा रहा है। और बदमाश से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और गोलियां बरामद की गई है। अब पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से कई केस सुलझाने में मदद मिलेगी। तो कल दिल्ली पुलिस लुटेरों के खिलाफ एक्शन में जरूर दिखी, लेकिन जो बड़ी खबर हमको मिल रही है वो ये साबित करती है कि बदमाशों में अब भी खौफ पैदा नहीं हुआ है। पुलिस को लेकर बड़ी खबर ये कि दिल्ली के सिविल लाइन इलाके के पास ही कमला नगर इलाके में बदमाश एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का फोन छीन कर फरार हो गए। मैजिस्ट्रेट रात 9 बजे खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार युवक उनसे मोबाइल छीनकर वहां से भाग निकले। ये सब कुछ दिल्ली के एक पॉश इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर हुआ मैजिस्ट्रेट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जरूरी खबर एक और दे देते हैं। पीएम मोदी की भतीजी के साथ हुई झपटमारी की वारदात को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया, लेकिन दिल्ली में हर साल ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं जिनमें अपराधी कभी पकड़े ही नहीं जाते। गाड़ी से उतरे ही हैं और फोन हस्बैंड ने मुझे दिया ही है और इतने में रॉन्ग साइड से लड़के आए हैं दो बाइक पे और मेरे मोबाइल छीन के ले गए मेरे हाथ से। दिल्ली के जनकपुर की रहने वाली ये इंदु बजाज है, जिनका फोन पलक झपकते ही उनके हाथों से चला गया। एक महीने से ज्यादा समय बीत गया लेकिन फिलहाल स्नैचर का कोई अता पता नहीं है। इंदु इकलौती ऐसी नहीं है जिनके साथ स्नैचिंग की घटना घटी हो। 9 अक्टूबर को यति शर्मा अपने मायके जा रही थी। रामलीला मैदान के पास दो बाइक सवार युवकों ने पहले इनके साथ छेड़छाड़ की, फिर इनकी बहन का फोन छीनने लगे। यति ने बहादुरी दिखाते हुए एक झपटमार को दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोपी तो अभी तक पकड़े नहीं गए, लेकिन यति का आरोप है कि थाने में उल्टे उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव हुआ। मेरी कोई हेल्प नहीं करी, वो तो बोल रहे थे कि हमारा काम चोरों को ले जाना है, आप लोगों को नहीं, आप खुद आओ अपने आप। और वो बहुत दूर था जहाँ पे मैंने उसको पकड़ा था चोर को, वहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत ही दूर था। कॉल करते हम लोग वहाँ पे कि कुछ पता चला, वो लोगों का एक आंसर होता है नहीं अभी पता चल जाएगा मैडम, थोड़ा टाइम दो। थोड़ा पुलिस के लापरवाही भरे रवैये का ही नतीजा है कि दिल्ली में झपटमारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। साल 2018 में जनवरी से सितंबर के बीच लूटपाट के 1847 केस दर्ज हुए, जबकि झपटमारी के 5034 केस।
साल 2019 में जनवरी से सितंबर के बीच लूटपाट के 1558 केस दर्ज हुए, जबकि झपटमारी के 4762 केस। कुल मिलाकर आंकड़े घटते ग्राफ की तरफ इशारा करते हैं, पर मई 2019 के बाद से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लूटपाट के 986 केस और झपटमारी के 2109 केस दर्ज हो चुके हैं। यानी दिल्ली में हर दिन झपटमारी के करीब 18 मामले दर्ज होते हैं। लूट झपटमारी की बढ़ती घटनाओं के पीछे बड़ी वजह ये है कि पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। मतलब घर से बाहर मोबाइल फोन पर बात करना, पर्स ले जाना, ज्वेलरी पहनना सब कुछ दुश्वार हो चुका है। दिल्ली में अपराध की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 साल में दिल्ली में 5 गुना अपराध बढ़ गया है। ये उस माँ का दर्द है जिसने अपने बेटे को खो दिया। ये राजुल सिंघल की माँ है जिनकी लुटेरों ने हत्या कर दी। पिछले महीने की 16 तारीख को राजुल अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से वापस लौट ही रहे थे कि घर के बाहर बदमाशों ने धावा बोल दिया। जब राजुल ने लूटपाट का विरोध किया तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यही हमारे दरवाजे पे आके तुमने किस लिए मारा है? गोली क्यों मारी है? हाथ पैर तोड़ देते, कम से कम मैं अपने को ठीक तो करवा लेती। दिल्ली में सिर्फ ये एक माँ का दर्द नहीं है, अब बदमाश लूट के लिए गोली चलाने और जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। एक नजर डालिए कि दिल्ली में किस तरह क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 साल में दिल्ली में अपराध 5 गुना बढ़ गए हैं। साल 2011 में दिल्ली में अपराध के 53,353 केस दर्ज किए गए, जो कि 2018 आते आते 2,50,000 के पार पहुंच गए। इसी साल अभी तक 2,25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि अभी साल गुजरने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली पर अपराधियों का बोलबाला है। हालांकि दिल्ली पुलिस अपराध कम होने का दावा कर रही है, साथ में ये कह रही है कि बदमाशों पर लगाम के लिए कड़े कानून की भी जरूरत है। 2 सालों में जो हमारा स्ट्रीट क्राइम है, जिसमें मोटे तौर पे रॉबरी है, स्नैचिंग है, इनकी जो वारदातें हैं इनमें कमी आई है, और इसके साथ साथ भी कोई भी अगर मेजर अगर क्राइम का हो तो पिछले 2 साल में अगर ज्यादा हीनियस है तो उसको हम कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। पुलिस के दावों के बीच की हकीकत ये है कि दिल्ली में अपराधी बेलगाम है, क्योंकि अगर अपराधियों में पुलिस का खौफ होता तो दिल्ली में हर दिन करीब 800 मामले दर्ज नहीं होते। फिर क्यों ना कहा जाए दिल्ली बन गई है क्राइम कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई के लिए सिर्फ आखिरी 3 दिन बचे हुए हैं। आज बारी हिंदू पक्ष के जवाब देने की है। रामा, रामा, रखते, रखते, के सबसे बड़े मुकदमे अयोध्या विवाद में फैसले की घड़ी नजदीक है। सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ 3 दिन की बहस बाकी है। कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी तो विवादित जमीन पर मालिकाना हक के मुस्लिम पक्ष के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप कह चुके हैं कि बाहरी हिस्से में हिंदू राम चबूतरा, सीता रसोई वगैरह का निर्माण कर उसकी पूजा करते थे, फिर पूरी तरह आपका कब्जा कैसे हुआ? इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा, सारे सवाल हमसे ही किए जा रहे हैं, दूसरे पक्ष से कोर्ट सवाल नहीं करता। इस पर कोर्ट ने कहा, आपकी ये टिप्पणी अवांछित थी। इसके बाद राजीव धवन इतिहास में चले गए और बोले कि बाबर के हुक्म पर मस्जिद बनी, उसने शाही खजाने से मस्जिद के रखरखाव के लिए अनुदान की व्यवस्था की, ये अनुदान अंग्रेजों के समय में भी जारी था। ये अपने आप में सबूत है कि मुसलमानों ने कभी मस्जिद को नहीं छोड़ा। इतिहास में दर्ज है कि हिंदुओं और सिखों ने वहां कई बार कब्जा करने की कोशिश की, हर बार उन्हें विफल किया गया। 6 दिसंबर 1992 को इमारत गिरा दिए जाने से स्थिति नहीं बदलती, पूजा का अधिकार मांगने वाले मालिकाना हक नहीं मांग सकते, वहाँ 5 दिसंबर की स्थिति बहाल की जानी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि 1528 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए, और हिंदुओं का यही केस है कि बाबर ने वहाँ पे आक्रांता बन के जो वहाँ पे भव्य राम मंदिर का विध्वंस किया, वो स्थिति रेस्टोर करनी चाहिए, और यही हमारा केस है कि आज के संवैधानिक इंडिया में बाबर ने जो अपनी तलवार से किया है सुप्रीम कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि बाबर ने जो किया उसकी कानूनी समीक्षा अब नहीं हो सकती। धवन ने यह भी कहा कि हिंदुओं को इस्लामिक नियमों की सीमित समझ है, हिंदू पक्ष ने कुरान के कुछ हिस्सों को इधर उधर से जोड़कर मस्जिद के खिलाफ केस बनाने की कोशिश की, सच ये है कि एक बार बनी मस्जिद किसी को सौंपी नहीं जा सकती।
हिंदू पक्ष ने धवन की सीमित समझ वाले बयान का विरोध किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा धवन को असीमित समझ है। सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस के बीच अब सुनवाई आखिरी दौर में है। आज हिंदू पक्ष की ओर से मुस्लिम पक्ष की दलीलों का जवाब दिया जाएगा। गुरुवार तक सुनवाई पूरी होनी है और उसके बाद नवंबर में फैसला आने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर आपको दे देते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलने से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन अभिजीत को सम्मान मिला है उस पर भी देश में सियासत गर्म है। अर्थशास्त्र के लिए कल नोबेल प्राइज का ऐलान हुआ, जिसमें भारत के लिए बड़ी खबर आई। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी इश्तर डुफ्लो को नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा माइकल क्रेमर को भी नोबेल प्राइज दिया गया। तीन लोगों को वैश्विक गरीबी को कम करने में एक्सपेरिमेंट अप्रोच के लिए सम्मानित किया गया। कोलकाता में पैदा हुए अभिजीत बनर्जी की उम्र 58 साल है। अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल की 10वीं शख्सियत है। बनर्जी ने 1983 में दिल्ली के JNU यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA किया था। 1988 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की। अभिजीत बनर्जी फिलहाल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर है। अभिजीत की इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत में बड़ी धूम है, सबको गर्व का एहसास हो रहा है। PM से लेकर राष्ट्रपति तक ने अभिजीत को ट्विटर पर बधाई दी, लेकिन ट्विटर पर ही अभिजीत की कामयाबी को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया। दरअसल जब राहुल गांधी ने अभिजीत को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की तो BJP के एक नेता ने अवार्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, बनर्जी ने न्याय योजना को तैयार करने में मदद की थी, लेकिन इसके बजाय अब हमारे पास मोदीनॉमिक्स है जो अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है और गरीबी को बढ़ा रही है। राहुल उसी न्याय योजना का जिक्र कर रहे थे जिसे वो लोकसभा चुनाव के एन पहले देश के सामने लेकर आए थे, जिसके तहत गरीबों को हर महीने 6,000 रुपया मिलना था। अब अभिजीत बनर्जी के साथ न्याय का जिक्र करने पर तमिलनाडु के BJP उपाध्यक्ष SG सूर्या ने राहुल को जवाब दिया, दावा किया कि इकोनॉमिक्स कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार नहीं है, अभिजीत को जो मिला है वो इकोनॉमिक साइंस के लिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसके लिए उन्हें बधाई दीजिए। SG सूर्या के मुताबिक इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। कुछ तस्वीरें गुजरात के कच्छ से मिल रही है, हम चाहते कि आप वो दिखें। देखिए तस्वीरें, भीषण आग लगी है यहाँ पर, इसकी है ये आग प्लास्टिक के सामान बनाने वाली कंपनी में देर रात 2 बजे से लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने के काम में इस वक्त मशगूल है। ये आग कैसे लगी है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अब तक किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, ये राहत है, लेकिन आग से करोड़ों का नुकसान हो चुका है ये जानकारी अब तक हासिल हुई है।